जय हिंद और आप सभी का न्यूक्लियस एविएशन सेंटर पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एयरक्राफ्ट व्हील के ऊपर, ठीक है, एयरक्राफ्ट के चक्का के ऊपर है, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि एयरक्राफ्ट के व्हील के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट है और वो कितने सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं और सभी कंपोनेंट का काम क्या है, ये सारी बातें आज हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक। अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट व्हील की, तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर 1 में, कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी एयरक्राफ्ट का, कि एयरक्राफ्ट कितने अच्छे तरीके से लैंड करेगी, टेक ऑफ करेगा, किसी भी ग्राउंड ऑपरेशन में अंजाम देगा, किसी भी काम को अंजाम देगा, ये पूरे की पूरी जिम्मेदारी किस पे होती है, एयरक्राफ्ट व्हील के ऊपर, या यू कहें लैंडिंग गियर के ऊपर, ठीक। तो इस आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रोल होगा किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए, ये एयरक्राफ्ट व्हील का कितना बड़ा रोल हो सकता है, ठीक। तो अब हम जानेंगे कि एयरक्राफ्ट व्हील आखिर बनते किससे हैं, ठीक है, इसमें मटेरियल कौन सा यूज होता है। तो पहला है आपका क्या है, अल्मीनियम, ठीक है, अल्मीनियम और मैग्नीशियम। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम। मोस्टली जो एयरक्राफ्ट के व्हील बनते हैं वो किससे बनते हैं, अल्मीनियम से बनते हैं, ठीक है, फोर्ज्ड अल्मीनियम होते हैं, ठीक। हम बात करेंगे वेट की, तो एयरक्राफ्ट के व्हील की वेट जो होती है, यहाँ पे क्या होती है, लाइट वेट होनी चाहिए, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि लाइट वेट होनी चाहिए। और जो हम लोग यूज करते हैं जनरली वो एल्युमिनियम के यूज करते हैं और ये लाइट वेट ही होता है, ठीक। स्ट्रॉन्ग की बात करें, उसकी स्ट्रेंथ की बात करें, तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी अधिक होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कम से कम, ताकि वो सारे लोड को, जो एयरक्राफ्ट की वेट है, या फिर यूं कहें ग्रॉस वेट एयरक्राफ्ट की जितनी है, पैसेंजर की वेट, बैगेज की वेट, ठीक है, ये सारी वेट को वो आराम से वो कैरी कर सके, रेसिस्ट कर सके उस सारी लोड को, ठीक है, इतनी वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें, तो एयरक्राफ्ट व्हील के, इस तरह के एयरक्राफ्ट व्हील का मेंटेनेंस बहुत ही कम, मेंटेनेंस इसकी जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके पार्ट्स के ऊपर। ये एक्चुअली दो सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है, ये आउटर है और ये इनर है, दो सेक्शन होते हैं, एक इनर व्हील होते हैं, एक आउटर व्हील होते हैं, ठीक, जो इनर व्हील आउटर व्हील के अंदर अटैच्ड होते हैं, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहली बात, इससे पहले हम बताएं कि क्या है एयरक्राफ्ट व्हील जो है, ये काम क्या करता है, जो भी टायर्स आपका, जो एयरक्राफ्ट व्हील जो उस पर ऊपर टायर्स लगा होता है, चाहे वो ट्यूबलेस टायर हो या फिर ट्यूब वाले टायर हो, तो उस पर क्या करता है, इंस्टॉलेशन का ये जगह प्रोवाइड करता है। ये पहला काम क्या हुआ, इंस्टॉलेशन के लिए क्या करता है, प्लेस प्रोवाइड करता है, या फिर यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट व्हील में ही क्या होता है, टायर्स की इंस्टॉलेशन होती है, यूं इस भाषा में कह सकते हैं कि टायर्स की इंस्टॉलेशन होती है, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं कि इसमें, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसके क्या क्या नाम है, ठीक है, और उसके काम क्या क्या है। ये जो आपका डायग्राम पूरा दिया हुआ है, ये क्या है आपका, एक हैवी एयरक्राफ्ट के है, ठीक है, ये क्या है, एक हैवी एयरक्राफ्ट के आपके बनाए हुए हैं, ये एयरक्राफ्ट व्हील के, हैवी एयरक्राफ्ट व्हील के डायग्राम बनाए हुए, ठीक। तो इसमें क्या क्या होता है, एक होता है रिटर्निंग क्या होता है, रिंग होता है, ठीक है, रिटर्निंग रिंग सील बियरिंग कोन, और क्या होता है, कप बियरिंग होता है, ये आपका क्या आउटर पार्ट, यहाँ पे कुछ सारे इंस्ट्रक्शन प्लेट होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, थर्मल रिलीफ प्लग होता है, कुछ पैकिंग्स होते हैं, रबर पैकिंग्स होते हैं, कुछ अलग तरीके के पैकिंग्स होते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन प्लेट, यहाँ पे जो आपका वियरिंग्स होते हैं, जो, और ये जो वियरिंग्स है, इसको हम लोग कहते हैं टैपर्ड रोलर बियरिंग। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा बियरिंग लगा होता है, इसमें बियरिंग जो होते हैं वो क्या होता है, टैपर्ड रोलर बियरिंग। कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 इस साइड और 2 इस साइड, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, एक्सल में क्या होता है, एयरक्राफ्ट व्हील जो है एक्सल में इंस्टॉल किया हुआ होता है, तो दोनों तरफ से क्या होता है, पैक करने के लिए, सील करने के लिए कुछ तो चाहिए, वहां पे क्या होता है लगा हुआ, पहला आपका टैपर्ड रोलर बियरिंग्स होते हैं, इस साइड 2 और इस साइड 2 होते हैं, ठीक। और यहाँ पे आपका क्या होता है, इस जगह आपका क्या होता है, वाल्व लगे होते हैं, ठीक है, इस वाल्व का नाम क्या है, स्टीम वाल्व, ठीक है, इनसाइड वाल्व, ये सारे वाल्व यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है, कप वाल्व, ये सारे वाल्व इस जगह पे लगे होते हैं, ठीक। और ये कहाँ से आपका निकलता है, इस जगह से, यहाँ पे क्या होता है, वेंट होता है, इस जो बाहर है यहाँ पे वेंट होता है, और ये जब यहाँ पे अटैच होगा तो इसको क्या करेगा, उसके अंदर से, इस वेंट होल से क्या होगा, ये निकलेगा, ठीक। उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि एयर की फिलिंग करते हैं, एयर फिल करते हैं इसके हेल्प से, यहाँ से, ठीक। उसके बाद आते हैं नीचे, ये आपका बोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों आपका बोल्ट है, ठीक, यहाँ पे ये दोनों आपका क्या है, वाशर है। इसमें क्या होता है, बोल्ट होता है, दो बोल्ट है, दो वाशर है,
ठीक। यहाँ पे क्या आपका वेट और व्हील को बैलेंस के लिए यहाँ पे प्लेट लगाए हुए होते हैं। क्या लगाए होते हैं? वेट और व्हील को बैलेंस करने के लिए क्या लगाए होते हैं? यहाँ पे प्लेट लगाए होते हैं। ठीक, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन प्लेट होते हैं, फिर से वाशर और नट होता है। वहां भी क्या होता है? वाशर और नट होता है। ठीक, इस साइड बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है? हीट शील्ड होता है। ठीक है, हीट शील्ड। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कितने ब्रैकेट्स में वो लगे होते हैं हीट शील्ड, उसका काम क्या है, ये सारी बातें आगे करेंगे अभी। और ये आपका हीट शील्ड के कैप है, ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे आपका कुछ बियरिंग्स हैं, जो ये जो एक्स और वाई, एक्स वाई एंड पी क्यू, ये सारे क्या, ये चारों का चारों क्या है? टैपर रोलर बियरिंग है। ठीक है, तो ये पूरी हो गई आपकी, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसके नेम, या फिर यू कहें कि इस एयरक्राफ्ट व्हील की नोमेनक्लेचर। यहाँ पे क्या, वाशर है, नट है, फिर आईपी इंस्ट्रक्शन प्लेट है। तो हम लोग इसमें ये भी देखिएगा कि इस एयरक्राफ्ट व्हील में इंस्ट्रक्शन प्लेट कितनी होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, और इधर एक और होता है आपका इंस्ट्रक्शन प्लेट। यहाँ पे आपका जो है एक और प्लेट होता है जो वेट और व्हील बैलेंस प्लेट कहते हैं इसको। ठीक है, इंस्ट्रक्शन प्लेट है, वेट और व्हील बैलेंस प्लेट। तो आपका क्या है, तीन प्लेट है टोटल। ठीक है, इंस्ट्रक्शन प्लेट क्या है, तीन है। और यहाँ पे क्या है, वेट और बैलेंस प्लेट, आपका वेट और व्हील बैलेंस प्लेट कितना है, एक है आपका। ठीक है, बोल्ट कितना है, यहाँ पे दो और भी है, इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या है और किसका क्या काम है। अब आइए स्प्लिट व्हील में, देखिए हम लोग बात करते हैं, ये तो एयरक्राफ्ट व्हील की नोमेनक्लेचर होगी। अब बात करते हैं टाइप की, कि एयरक्राफ्ट व्हील कितने तरह का होता है। तो पहला है आपका, दो तरह का होता है। ठीक है, पहला है आपका स्प्लिट व्हील। ठीक है, पहला है आपका स्प्लिट व्हील, दूसरा है आपका फ्लैंज व्हील। क्या है? फ्लैंज व्हील। दूसरा है आपका फ्लैंज व्हील। ठीक है, ये फ्लैंज व्हील फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो कैटेगरी में, एक होता है रिमूवेबल। ठीक है, एक होता है रिमूवेबल और दूसरा होता है फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड फ्लैंज व्हील और रिमूवेबल फ्लैंज व्हील, इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हम यू कह सकते हैं इसका तीन तरह का है, लेकिन यहाँ पे आपका जो मेनली जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो क्या है, स्प्लिट और फ्लैंज। फ्लैंज को ये फर्दर डिवाइड किया गया है कि रिमूवेबल और फिक्स्ड में है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि इसका जो कंपोनेंट्स है, इसका जो पार्ट्स है, ठीक है, वो इसका काम क्या है, किसका, इस सारे कंपोनेंट्स का। ठीक है, हम बात करें कहाँ पे, स्प्लिट व्हील की। अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं, स्प्लिट व्हील की बात करेंगे। ठीक है, स्प्लिट टाइप व्हील की। ठीक, तो स्प्लिट टाइप व्हील में क्या होता है, जो लैंडिंग गियर्स होते हैं उसके, जो लैंडिंग गियर के जो ट्यूब वहां पे होते हैं, वो क्या होता है आपका, ट्यूबलेस होता है। वहां जो क्या होता है आपका, वो लैंडिंग गियर जो व्हील होते हैं वो क्या होता है, ट्यूबलेस होता है। पहला पॉइंट ये है, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी कि उसके क्या क्या होते हैं, स्प्लिट व्हील के ट्यूबलेस होते हैं वहां पे। ठीक है, मेन लैंडिंग गियर क्या होता है, ट्यूबलेस होता है। दूसरा पॉइंट, असेंबली मेड ऑफ फॉर्ज्ड एल्युमिनियम। इसके जो असेंबली होंगे, पूरे असेंबली जो बने होंगे, वो किससे बने होंगे, फोर्ज्ड एल्युमिनियम से। ठीक है, फोर्ज्ड एल्युमिनियम से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसमें 18 टाई बोल्ट और नट होते हैं। ये बहुत बड़ी बात, कितने होते हैं, 18 टाई और टाई बोल्ट और नट होते हैं, ये 18 होते हैं टोटल। ठीक है, 18 नट और बोल्ट होते हैं यहाँ टोटल, 18 नट और बोल्ट। तो ये मेन पॉइंट है आपका, 18 नट एंड बोल्ट, ये भी पूछ सकता है। उसके बाद लीकेज ऑफ एयर प्रिवेंट बाय रबर पैकिंग। ये जो आपका ये है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये अनसेडेड सर्कल, ये रबर पैकिंग है। ठीक है, इसका काम क्या है कि जो भी लीकेज होगी, ठीक है, लीकेज होगी उसको ये क्या करेगा, उसको ये लीकेज से क्या करेगा, बचाएगा। लीकेज से क्या करेगा, बचाएगा। ठीक है, ताकि जो है इसमें से किसी तरह की लीकेज ना हो। ठीक है, और ये कहाँ लगा होता है, माउंटेड ऑन इनर प्लेट, व्हील प्लेट, जो इनर है, जो इनर प्लेट है आपका, जो इनर व्हील है उसके क्या लगता है, हाफ, आपके हाफ व्हील में लगा होता है। ठीक है, माउंटेड ऑन इनर हाफ व्हील। ठीक, अनदर पैकिंग माउंटेड ऑन इनर सरफेस ऑफ इनर व्हील प्रिवेंट डर्ट अंडर। अच्छा, अगला जो ये है रिवर आपका, अगला जो ये फिर से पैकिंग है, जो सैडेड पैकिंग है, इसका काम क्या है कि जो भी आपका डर्ट और मॉइस्चर होगा, तो जो भी आपका जो डस्ट और मॉइस्चर होगे, ठीक है, उससे ये गंदगी से ये क्या करता है, बचाता है। क्या करता है, गंदगी से ये बचाता है, डर्ट और मॉइस्चर होने से इसको बचाता है। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट है इसमें, रिटेनिंग रिंग इंस्टॉल्ड इन द हब ऑफ इनर व्हील। ठीक है, रिटेनिंग रिंग आपका क्या है, इनर व्हील पे आपका रिटेनिंग रिंग होता है। रिटेनिंग रिंग कहाँ है, यहाँ पे आपका इनर व्हील के अंदर क्या होता है, ये लगा होता है, इंस्टॉल क्या होता है, इनर व्हील के हब में आपका लगा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, होल्ड सील एंड बियरिंग कोन। ठीक है, होल्ड सील एंड बियरिंग कोन इन प्लेस वेयर इतना। अच्छा, इसका काम क्या है, रिटेनिंग का, जब आप इस व्हील को
एक्सेल से जब आप व्हील को रिमूव करेंगे, ठीक है, फिर भी इसको एक अपने प्लेस पर बनाए रखने के लिए क्या काम करता है इसका रिटेनिंग रिंग का, ये दोनों को कोन बियरिंग एंड सील को अपने प्लेस पर बनाए रखने के लिए इसका काम होता है कि रिटेनिंग है, जब आप व्हील को खोलते हैं ये अपने प्लेस पर बने रहे, ठीक है। होल्ड सील एंड बियरिंग कोन इन प्लेस ऑफ व्हील व्हील इज रिमूव फ्रॉम एक्सल, एक्सल से जब रिमूव करेंगे तो ये इसका प्लेस इसका जहां का तहां ही रहे, ऐसा कुछ इसका फंक्शन होता है, ठीक। अब एक्स वाई पी क्यू, ये जो है आपका एक्स वाई पी क्यू, हमने पहले बताया ये क्या है, टेपर्ड रोलर बियरिंग है, ये क्या है टेपर ड्यूबल, अलग अलग काम है इसका, कप बियरिंग है यहाँ पे, कोन बियरिंग है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट व्हील ऑन द एक्सल, इसका काम क्या करता है, जो एक्सल होते हैं जिसके ऊपर व्हील का क्या होता है इंस्टॉलेशन होती है, उसको वो सपोर्ट करता है, उसको मेंटेन बनाए रखता है, उसकी इंस्टॉलेशन को बनाए रखता है। ये काम कौन करता है, टेपर्ड बियरिंग, टेपर्ड रोलर बियरिंग जो लगे होते हैं, ठीक। यहाँ पे टू अलाइनमेंट ब्रैकेट्स, ठीक है, टू अलाइनमेंट ब्रैकेट्स, ये जो आपको हमने बताया था हीट शील्ड है, इसके पास क्या होता है दो ब्रैकेट्स लगे होते हैं, और दोनों ब्रैकेट्स कितने डिग्री पर होते हैं 160 डिग्री, ठीक है। क्या होता है, हीट टू अलाइनमेंट ब्रैकेट्स 160 डिग्री अपार्ट अटैच्ड विद हीट शील्ड, आपका 160 डिग्री पे अटैच्ड किए होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने डिग्री पे होते हैं हीट शील्ड में ब्रैकेट्स लगे हुए, 160 डिग्री होते हैं, याद रखिएगा 160 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं, ठीक है। थ्री थर्मल रिलीफ प्लग आर माउंटेड ऑन द वेव ऑफ द इनर व्हील, अब जो तीन थर्मल जो आपके क्या है रिलीफ प्लग लगे होते हैं, थर्मल रिलीफ प्लग तीन लगे होते हैं, कहां पर लगे होते हैं इनर व्हील में, कहां पे इनर व्हील में, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव, अब जो ब्रेकिंग जब ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या होता है हीट प्रोड्यूस होगा, उस हीट को बचाने के लिए कौन सा लगा होता है इंस्ट्रूमेंट, आपके कौन सा डिवाइस लगा होता है, थर्मल रिलीफ प्लग लगा होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेसिव ब्रेक हीट, ठीक है। अब अगला पॉइंट है इनर कोर ऑफ थर्मल रिलीफ प्लग मेड ऑफ क्या है फ्यूजिबल मेटल, अच्छा ये जो आपका है थर्मल रिलीफ प्लग है वो उसका जो इनर कोर है वो किससे बना होता है आपका फ्यूजिबल मेटल से, तो याद रखिएगा किससे बना होता है फ्यूजिबल मेटल से बना होता है, ये याद रखिए ये क्वेश्चन आ सकता है फ्यूजिबल मेटल से बना होता है, ठीक है। पैकिंग इन ईच रिलीफ वाल्व प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर, इतना जो भी रिलीफ वाल्व है जो तीन तरह के रिलीफ वाल्व होंगे थर्मल रिलीफ वाल्व, तो वो तीनों के अंदर जो पैकिंग्स होंगे तीनों के पास जो अपने अपने पैकिंग्स होंगे उसका काम क्या होगा, उस पैकिंग्स का काम क्या होगा कि जो भी एयर की लीकेज हो रही है उससे वो प्रिवेंट करे, उससे वो बचाए, एयर को लीकेज होने से बचाए, ठीक है। तो ये सारे क्या है मेन मेन टॉपिक थी जो है आपका ये पॉइंट्स था इस स्प्लिट व्हील की, ठीक है, जो हमने पॉइंट टू पॉइंट बात किया है। तो आपको बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमने इतना कुछ बता दिया है कि आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब जो है अगला हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसका, आपका फ्लेंज टाइप का पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्लेंज टाइप का, उसमें रिमूवेबल टाइप का पढ़ेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लेंज टाइप, ठीक। आज का यहीं से लेक्चर आपका खत्म होता हो, और अगर हमारा वीडियो और एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी नीडी पीपल हैं जो एविएशन से रिलेटेड अपना पढ़ाई कर रहे हैं या फिर एग्जाम कर की तैयारी कर रहे हैं डीजीसी की, उसको जरूर भेजा कीजिए ताकि उसको भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा अगला वीडियो जो आने वाला है वो क्या है फ्लेंज व्हील के बारे में बात करेंगे, और ये आपका क्या था हैवी एयरक्राफ्ट के लिए, उसमें हम लोग भी बात करेंगे, लाइट एयरक्राफ्ट के लिए जो व्हील लगे होंगे उसका थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्लेंज व्हील की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।